हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट में पोवार, जो कि एक बैक वाटर रिजॉर्ट है। चलो मैं आज इसका आपको टूर देता हूँ। अब ये देखो, माँ बेटे दोनों चल दिए आगे आगे। रिक्शा सिर्फ रिजॉर्ट के पैसेंजर्स के लिए। सामने राइट साइड में रिसेप्शन है। ये हमारा रूम है जिसका हम टूर आपको बाद में देंगे। चलिए, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। कोकोनट ट्रीज हैं और इसके पीछे जाके देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज हैं जिसके ऊपर कोकोनट लदे पड़े हैं, लेकिन हम उन्हें तोड़ नहीं सकते। और एक बात और, जो हमारे दिल्ली में मिलते हैं कोकोनट, सेम प्राइस पे यहाँ पे ये भी मिलते हैं। अभी किसी ने चेकिंग किया होगा सामान। और ये सामने होटल यूनिट्स बहुत आगे चले गए, इनको होटल यूनिट्स का रूम मिला है। इसके होटल यूनिट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये रूम्स की नंबरिंग और जिधर ये चीक और ये सामने जो आपको कोटेज दिख रहा है, ये अंडर इनोवेशन है। ये होटल यूनिट्स है, इसलिए बंद कर रखा है, जो कि रिजॉर्ट का ही पार्ट है। पैसेंजर है, पूरा रिजॉर्ट ही नेचर बेस्ड है। इस सामने जो चीकू और उसके मम्मा है, उसके पीछे जो 1BR है, इसमें अपना खुद पर्सनल स्विमिंग पूल है, लेकिन ये अभी अंडर इनोवेशन है ये रूम भी, तो अभी इसमें कोई रुका नहीं है। चलो हम देखते हैं, कोई मिल जाता है तो रूम, फिर मैं उसका भी आपको टूर दूंगा। लेकिन इसमें ज़्यादातर 1BR अंडर इनोवेशन ही चल रहे हैं। हमने भी बहुत ट्राई किया था लेकिन हमें मिला नहीं, इसलिए हमें कोटेज ही मिला। कोटेज ही बहुत अच्छा है, ये भी अंडर इनोवेशन है सब। चलो मैं आपको रिसेप्शन दिखाता हूँ। ये कोको बाइक है, ये एक ईवी है, इसका नाम इन्होंने कोको बाइक रखा है। लेफ्ट रिसेप्शन, ये ट्रेवल डेस्क जिस पर आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और तेरे ये है सांप सीढ़ी, हमारे बचपन की, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ी सांप सीढ़ी है। और ये स्विमिंग पूल बिल्कुल रिसेप्शन के सामने, देखो अच्छा खासा बड़ा है स्विमिंग पूल भी। और ये है रिसेप्शन, ये देखिए रिसेप्शन, सॉरी स्विमिंग पूल। पवार का ये जो क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट है, कुछ काफी अच्छा रिजॉर्ट है। छोटा रिजॉर्ट है लेकिन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अब चलो मैं आपको बैकयार्ड लेके चलता हूँ, बैक वाटर। एक छोटा सा पार्क है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कोकोनट के और उन पर काफी कोकोनट लगे हैं।
लेकिन इनका टेस्ट थोड़ा अलग है। इनका टेस्ट हमारे यहाँ जो दिल्ली एनसीआर मिलता है उससे अच्छा है, क्योंकि मैंने भी पूछा था तो उन्होंने बताया हमारे इधर तमिलनाडु के ज़्यादा डिलीवर होता है। ये देखिए इनका जोड़ा स्टार्ट हो चुका है, इन्हें तो एक मिनट का टाइम मिल जाए बस। लेकिन वो छोटे सरकार कहाँ है, ये तो बिल्कुल नीचे पे लग रहे हैं। देखता हूँ बाद में तोड़ लूंगा इसे, तोड़ के करूंगा भी कैसे, छीलूंगा कहाँ से। काफी छोटा पेड़ है ये तो, ये रहा चीकू। कोई बात नहीं, बाहर निकल जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ। इसके पैर सैंडल में रेत चला गया, चप्पल में रेत हो गया भाई। इसके थोड़ा सा भी कुछ हो जाए इसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। जब तक इसके रेत नहीं निकलेगा ये टी 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 करता रहेगा। चलो मैं आपको बैकवाटर दिखाता हूँ। ये नेचुरल खेती कर रखी है इन्होंने, जिसमें लेमन, भिंडी, बनाना, काफी तरह के पेड़ों की खेती कर रखी है। रात को इसका नज़ारा और भी अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगा आपको रात का भी टूर दूँ। ग्रीनरी ग्रीनरी है, ग्रीनरी। केरल, केरल में तो भाई कोकोनट के पेड़ ही मिलेंगे, ये इसकी पहचान है। तो काफ़ी सुंदर रिजॉर्ट है। बेल है, बेल हमारे से लोकल भाषा में बेल बोलते हैं, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। पैशन फ्रूट, सेफ्टी फर्स्ट एंड केयरफुल। यहाँ पे आती है वोट, अगर किसी को वोटिंग करनी है, पीछे वोटिंग करने जाना है तो वोट यहाँ से आती है, यहीं पे आपको पिक एंड ड्रॉप करती है। सामने से एंट्री है बोट की, लो जी दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं दोनों। आप किसी को कुछ, किसी की एनिवर्सरी है या बर्थडे है, कैंडल लाइट डिनर, वो भी होस्ट करा सकते हैं। ये है बैक वाटर, ये ज़्यादा डीप नहीं है, ज़्यादा 4-5 फीट ये डीप है, जो कि मुझे पूछने से पता चला है। कॉटेजेस रिजॉर्ट के ही हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी बंद कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, और हम अभी इसके पीछे गोल्डन बीच है, वहाँ भी लैंड नहीं कर सकते।
वो करके दिखाओ जूबी जूबी कैसे करते हैं। देखो यार।